हेलो एवरीबडी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एसएसटी एस फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन साउंड चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन सेशन है जहां पर हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करके इस चैप्टर को करेंगे एकदम खत्म तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो साउंड हमारे आसपास प्रोड्यूस होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं रिकॉल करो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है राइट right? अब हमारे आसपास तो बड़ी सारी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन हर साउंड को हम सुन नहीं पाते हैं ये भी हमें पता है आपने सुना होगा कुछ लोगों से कि आपने ये देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनको कई चीज़ें जल्दी सेंस हो जाती हैं उनको कई चीजें जल्दी सुनाई दे जाती हैं हमसे राइट मतलब उनको आवाजें जल्दी आ जाती हैं दूर दूर से कहीं से राइट सो बिकॉज देयर रेंज ऑफ हेयरिंग इज वे मोर देन अस राइट तो इसी बेसिस पर हमने साउंड को तीन कैटेगरीज दी हैं सबसे पहली है ऑडिबल साउंड वो साउंड जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है तो कौन सी साउंड आप सुन सकते हो सो देर इज अ रेंज ऑफ साउंड विच वी ह्यूमंस कैन हियर अ नॉर्मल ह्यूमन कैन हियर सबसे पहली बात की जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड को हम हमेशा हर्ड्स में लिखते हैं कि से uh, ह, मतलब हर्ड ट्वेंटी हर्ट्स थर्टी हर्ट्स फोर्टी हर्ट्स ठीक है दूसरा जो हमारी रेंज है हियरिंग की ठीक है जो ऑडिबल ह्यूमन साउंड रेंज इज ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड तो, uh, तो, तो इससे कम ट्वेंटी हर्ट से कम या ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा की साउंड को हम नहीं सुन पाते हैं द नेक्स्ट वन इज द अल्ट्रा सोनिक और सुपर सोनिक राइट सो अल्ट्रा और सुपर सो दीज आर द साउंड विच आर मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स तो ये साउंडस जो हैं हम तो नहीं सुन पाते हैं लेकिन हमारे आस पास कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स बैट्स मंकीज उनको सुन पाते हैं तो so, जैसे अगर हम डॉग्स की बात करें सो डोग कैन हियर अराउंड टिल फिफ्टी थाउजेंड हर्ड्स और वहीं पर अगर हम बैट्स की बात करें तो बैट्स वन लाख हर्ड्स तक सुन सकते हैं राइट दूसरी चीज आपने देखा होगा कि बैट्स जो हैं या सुना होगा कि बैट्स रात को फ्लाई करते हैं तो जब वो रात को फ्लाई करते हैं तो लाइट काफी कम होती है तो बहुत चांसेस है कि वो इधर उधर टकरा जाएंगे लेकिन जब वो फ्लाई करते हैं तो वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये साउंड आसपास से ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस उनके पास आती है एंड दिस टेल्स देम दैट वेयर आर द ऑब्स्टेकल्स एंड एट व्हाट डिस्टेंस तो वो आराम से फ्लाई कर पाते हैं बिना किसी चीज से टकराए हुए तुम तो जैसे कि ये एक बैट है जो फ्लाई कर रहा है ठीक है अब ये जो बैट है ना ये साउंड प्रोड्यूस करेगा ठीक है ये साउंड से यहां पर जाके टकराएगी और वापस बैट के पास आएगी सो so, इससे बैट को ये पता चल जाएगा कि मेरे आसपास कोई ऑब्स्टिकल है और वो ऑब्स्टिकल कितने डिस्टेंस पर है Is that clear? Okay. So the next one is the infrasonic or subsonic sounds. So infra or sub. तो ये वो sounds होती हैं जिनकी frequency 20 hertz से कम होती है तो आपने एक pendulum देखा होगा Pendulum जब move करता है ना तो दो सेकेंड में वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है मतलब जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा साउंड प्रोड्यूस होगी लेकिन वो साउंड हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो ट्वेंट ट्वेंटी हर्ड्स से भी कम होती है सो हमारी ऑडिबल रेंज है ट्वेंटी हर्ड्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स ठीक है तो उसके बाहर की आवाज़ें हम नहीं सुन पाते हैं तो इसी बेसिस पर हमने साउंड्स को तीन कैटेगरीज uh, में डिवाइड किया है रिकॉल करें कौन कौन सी सबसे पहली वो साउंड जो कि 20 हर्ड से कम है दैट इज इंफ्रासोनिक और सबसोनिक दूसरी वो रेंज जो हम सुन पाते हैं दैट इज 20 हर्ड्स टू 20,000 थाउजेंड हर्ड्स विच इज द ऑडिबल रेंज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर द नेक्स्ट वन इज अबव ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स विच इज अल्ट्रासोनिक और वी ऑल्सो कॉल इट एज सुपरसोनिक सिंपल था ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टिस्टिक्स तो कैरेक्टिस्टिक्स को पढ़ने से पहले ना एक वेव जो हमने डिस्कस की थी ना एक लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको रिकॉल करते हैं तो इस तरफ क्या होता था इस तरफ होता था डिसप्लेसमेंट और इस तरफ होता था टाइम वेरी गुड तो हम कैसे बनाते थे एक वेव कुछ ऐसे राइट right? तो हमने बोला था कि एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन तक जब वेव ट्रैवल करती है तो उसे हम एक वेव बुलाते हैं दैट इज वन वेव ठीक है दूसरा हमने एक चीज ये भी डिस्कस की थी कि ये क्या होता है दिस इज एम्पलीट्यूड कि ये जो मीन पोजीशन है ये लाइन जो है दिस इज मीन पोजीशन तो मीन पोजीशन से वेव कितना ऊपर गई या फिर कितना नीचे गई दैट इज द एम्पलीट्यूड राइट right? तो वेव का एक कैरेक्टिस्ट एक टर्म हमने पढ़ी थी इसमें एम्पलीट्यूड ठीक है वेव का एक कैरेक्टिस्टिक था एम्पलीट्यूड और दूसरी एक और पढ़ी थी विच इज फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था फ्रीक्वेंसी तो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ तो दिस इज की एक मीन पोजिशन से वेव जो है वो कितना दूर गई है ठीक है ऊपर या नीचे फ्रीक्वेंसी इज कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं एक वेव दो वेव दस वेव wave, कितनी वेव्स सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी तो इन्हीं दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स सो वी हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड द फर्स्ट वन इज द लाउडनेस सेकेंड इज द पिच लाउडनेस कितनी लाउड है वो डिपेंड करती है किस पे एम्पलीट्यूड पे ये बात मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूँ हम इन दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वन इज द पिच एंड पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑल राइट तो बात समझ आ गई चलो चलते हैं लाउडनेस पे तो लाउडनेस की बात करें लाउडनेस डिपेंड करता है किसके ऊपर कि एम्प्लीट्यूड कितना है सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा साउंड तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड अब ये दो वेव्स हैं वेव ए है और ये वेव बी है तो so, अगर आप वेव ए और वेव बी में देखो सो ए वन एज कंपेर टू दाइटिशन से ज्यादा दूर जा रही है सॉरी तो एम्पलीट्यूड यहां पर ज्यादा है. So, है मतलब कि ये वेव जो है दिस वेव इज गोइंग टू बी लाउडर राइट सो ग्रेटर द एम्प्लीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड अब जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी साउंड्स अपने आसपास सुनते भी हैं तो अब जैसे मेरे पास ये ज़ाइलोफ़ोन है अब इस ज़ाइलोफ़ोन को अगर ना मैं धीरे से प्रेस करती हूँ ठीक है तो थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस हुई अभी बता काफ़ी सॉफ्ट सी साउंड थी देखो सॉफ्ट साउंड थी राइट अभी मैं इसको जोर से स्ट्राइक करती हूँ तो लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई राइट तो आप समझ रहे हो तो जितना ज्यादा मतलब जैसे गिटार भी है तो जितना सॉफ्टली आप मतलब जितना जेंटली आप उसको प्रेस करोगे ना स्ट्रिंग को स्ट्राइक करोगे या फिर रब करोगे उतनी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी और जितना जोर से आप उसको स्ट्राइक करोगे या प्रेस करोगे या रब करोगे उतनी ही जोर की क्या होगी वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगी या उतनी ही लाउडर वो साउंड होगी राइट right? एक और चीज है यहां पर जो लाउडनेस है साउंड की ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन सॉफ्ट एंड दूसरी साउंड कौन सी होती है एक सॉफ्ट साउंड और एक लाउड साउंड के बीच में ये लाउडनेस ही डिफरेंशिएट करता है दैट इज एम्पलीट्यूड ही डिफरेंशिएट करता है ओके okay? अब लाउडनेस जो है ना वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो जो वाइब्रेट हो रहा है ऑब्जेक्ट वो कितना है उसका एरिया कितना है मान लो मान लो कि ये छोटा सा ज़ाइलोफ़ोन है ठीक है इसके बदले मैं एक बड़ा सा ज़ाइलोफ़ोन लेकर आ जाऊँ ठीक है तो अब मैं दोनों को सेम ही फ्रीक्वेंसी से हिट करूँ मतलब नॉट तो फ्रीक्वेंसी सेम आ, मतलब दोनों में सेम जोर लगाऊं और उसी सेम तरीके से मैं दोनों को ही प्रेस करूं बट हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो बड़ा वाला जायलो है ना वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क्यों क्योंकि उसका जो एरिया है जो वाइब्रेट हो रहा है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा है तो जितना ज्यादा होता है वाइब्रेटिंग एरिया उतनी ही ज्यादा क्या होती है उतनी ही ज्यादा लाउड होती है साउंड राइट सो आई होप इतना आपको समझ आ गया है ओके सो नेक्स्ट वी विल कम ऑन टू द पिच सो पिच किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे सो पिच इज द हाई और लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स एक बार में प्रोड्यूस होंगी उतनी ही ज्यादा पिच होगी जितनी कम वेव्स प्रोड्यूस होंगी एक सेकेंड में उतनी ही कम क्या होगी पिच होगी राइट right? अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास दो वेव्स हैं तो इन दोनों वेव्स में एक वेव है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रही है राइट right? तो एक सेकेंड में काफी कम वेव्स प्रोड्यूस होती हमें नजर आ रही हैं लेकिन अगर हम इसी में देखें तो वेव्स जो हैं वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं एक एक सेकेंड में सो दिस मीन्स जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच राइट right? तो बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है पिच का सीधा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी से और लाउडनेस का सीधा डायरेक्ट रिलेशन है विद द एम्पलीट्यूड तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा जोर की आवाज जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच है उस साउंड की सो आई होप इतना आपको समझ आया है अब जितनी ज्यादा पिच होती है राइट सो हायर द पिच श्रिलर इज द साउंड राइट एंड लोअर द पिच फ्लैट और ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होती है राइट right? तो आपने देखा होगा गर्ल्स की जो साउंड होती है ना दैट इज ऑफ अ हायर पिच वो ज्यादा शार्प होती है ज्यादा श्रिल साउंड होती है वहीं पर बॉयज की साउंड जनरली फ्लैट या फिर ग्रेव होती है राइट right? तो उनकी जो साउंड होती है वो मोस्टली फ्लैट होती है और गर्ल्स की शार्प आवाज़ होती है राइट right? वैसे ही अगर हम एक छोटे बच्चे की देखें तो उसकी साउंड जो है वो काफ़ी शार्प होगी और वहीं पर अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो उसकी साउंड कैसी होगी थोड़ी फ्लैट होगी सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द पिच अब इसमें ना एक छोटा सा एग्जांपल मतलब एक पिच जो है वो हमें एक फ्लैट और एक स्ट्रिल साउंड में डिफ्रेंशिएट भी कराती है ना वी विल टेकअप एंड एक्टिविटी बड़ी ही सिंपल है आपके पास एक Uh, मतलब लैब में जाओ एक टेस्ट ट्यूब लो उसमें थोड़ा सा पानी भरो और उसका माउथ बंद करके बोलो आपको बहुत ही फ्लैट सी साउंड प्रोड्यूस होगी ठीक है तो यहाँ पर एकदम फ्लैट साउंड प्रोड्यूस होगी जैसे जैसे यहाँ पर वाटर लेवल जो है वाटर कॉलम जो है वो बढ़ता जाएगा और ऊपर का एरिया दैट इज जो वाइब्रेटिंग कॉलम है वो क्या होता जाएगा वो डिक्रीज होता जाएगा तो जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे साउंड जो है वो श्रिल होती जाएगी कैसी होती जाएगी श्रिल साउंड होती जाएगी ऑल राइट सो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी दैट यू कैन डू एट योर होम ओके मान लो एक घड़ा है ठीक है एक घड़े को अगर आप टैप के नीचे रखो और उसको भर लो तो पहले जो है ना आपको काफी फ्लैट सी साउंड आती है लेकिन जैसे जैसे घड़ा भरने लगता है वैसे वैसे ये साउंड काफी शार्प होने लगती है या फिर श्रिल होने लगती है वैसे ही अगर हम देखें तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्ट्रिंगड होते हैं जैसे कि सितार हो गया या गिटार हो गया तो उनकी जो साउंड है ना दैट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम तो दो तरीके होते हैं जिनसे हम उनकी साउंड को चेंज कर सकते हैं पहला है कि उनकी स्ट्रिंग की जो पोजीशन है ना उनको थोड़ा सा मतलब जो हम प्लग कर रहे हैं उनको चेंज करके और दूसरा हम उनकी जो टेंशन है मतलब आपने देखा होगा कि टाइट होते हैं या फिर उनको लूज किया जाता है तो उस एडजस्टमेंट से भी हम ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो आवाज है उसको चेंज कर सकते हैं राइट right? तो so, आपने देखा होगा जब प्रैक्टिस हो रही होती है रिहर्सल हो रही होती है तो उस टाइम पर बहुत जो प्ले करते हैं गिटार या सितार वो अपने इन म्यूजिकल इन इंस्ट्रूमेंट्स इन को मतलब कुछ तो चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली साउंड को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मतलब व्हाट टाइप ऑफ साउंड दे नीड फ्लैट चाहिए या श्रिल चाहिए सो ऑन दैट बेसिस दे चेंज द पोजिशन और चेंज द कितना टाइट है या कितना लूज है वो स्ट्रिंग सो आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज स्पीड राइट स्पीड ऑफ द साउंड तो हमने स्पीड ऑफ द लाइट पढ़ा है कितनी होती है थ्री इंटू टेन रेज टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो आज हम स्पीड ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है जैसे आ, अगर आप एक ब्लैक स्मिथ को देख रहे हो और वो हैमर को हार्डली स्ट्राइक कर रहा है ऑन द आयरन ठीक है तो आप देखोगे कि जैसे ही उसने स्ट्राइक किया हैमर हमें वैसे ही आवाज नहीं आई ठीक है अभी तक आपने शायद ये चीज नोटिस नहीं की होगी लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आप मार्केट जाओ कोई ऐसे काम कर रहा हो तो आप ये ये ऑब्जर्व करना इस बार ठीक है तो आप देखोगे कि जैसे ही हैमर स्ट्राइक हुआ वैसे ही आपको आवाज नहीं आई उससे थोड़े टाइम बाद आपको आवाज आती है सो so बेसिकली होता क्या है कि साउंड टेक्स लिटिल टाइम टू ट्रैवल ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है साउंड को ट्रैवल करने में तो स्ट्राइक हैमर स्ट्राइक कर गया लेकिन आप तक उस मीडियम में आवाज पहुंच आप तक आवाज पहुंचने में साउंड को ट्रैवल करने में एक मीडियम में थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए जैसे ही स्ट्राइक होता है हैमर वैसे ही आपको नहीं आवाज़ नहीं आती है थोड़ा सा डिले करके आवाज़ आती है दूसरा आपने देखा होगा कि जब एकदम ऐसे थंड वाला ऐसे बिल्कुल बादल आए होते हैं ना गरजने वाले और बरसने वाले तो उस टाइम पर आपको आप अगर आप खड़े हो घर के अंदर हो या बाहर हो बाहर नहीं रहना चाहिए अंदर होना चाहिए तो अगर आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको ना लाइटनिंग दिखाई देती है ठीक है तो वो फ्लैशेस दिखाई देते हैं लाइट के लेकिन जैसे ही लाइट का फ्लैश आता है ना वैसे ही आपको आवाज़ नहीं आती है उसके थोड़ी देर बाद आपको आवाज आती है ऐसा क्यों क्या ये दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं नहीं थंडरिंग और लाइटिंग दोनों ही सेम टाइम पर हो रहे हैं बट क्योंकि वो आपसे काफ़ी दूर हैं सो साउंड सो लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ थ्री इंटू टेन रेज टू दावर एट मीटर पर सेकेंड विच इज़ क्वाइट फास्ट लेकिन वहीं पर अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड की स्पीड जो है ना, वो कम होती है एज़ कंपेयर्ड टू लाइट राइट तो इसीलिए लाइट तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम तक पहुंच जाती है लेकिन साउंड टेक्स लिटिल मोर टाइम टू रीच राइट सो आई होप इतना सा समझ आया है अब हम कैसे एस्टिमेट करेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास दो हिल है ये है हिल ए और ये है हिल बी राइट right? यहां पर आप खड़े हो राइट right? और यहां पर मैं खड़ी हूं ठीक है लो पाओ यहां भी बना दिए राइट right? अब आपके पास क्या है आपके पास है एक स्टॉप वॉच राइट और मेरे पास क्या है मेरे पास है एक गन ओके okay? अब मान लो कि ये जो दोनों हिल्स है ना इनका डिस्टेंस है से वन किलोमीटर तो मैं और आप एक किलोमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं ओके okay? अब मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जैसे ही आप फायर देखो जैसे ही मैं प्रेस करूंगी ठीक है गन को प्रेस करूंगी राइट तो जैसे ही आपको फायर का फ्लैश दिखाई देना वैसे ही आपने स्टॉप वॉच को शुरू कर देना है ठीक है लेकिन अपना हाथ बिल्कुल स्टॉप वॉच पे रखना है ताकि जैसे ही आपको आवाज सुनाई दे आप उसको बंद कर दो ओके तो मैं क्या करूंगी मैं यहां से फ्लैश करूंगी फायर राइट right? और ये, जैसे ही आप फ्लैश देखोगे आप यहाँ पर क्या कर दोगे अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे और जैसे ही आप सुनोगे आवाज राइट right? गन की वो गन शॉट की आवाज सुनोगे वैसे ही आप उस स्टॉप वॉच को बंद कर दोगे सो यू विल सी कि जो फ्लैश हुआ है लाइट और जो साउंड आई है उसमें कुछ सेकेंड्स का फर्क रहेगा सो दिस इज

टाइम डिस्टेंस इज मीटर टाइम इज सेकेंड सो दूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड तो आप ये नोटिस करोगे सो द स्पीड इज गोइंग टू बी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मीटर पर सेकेंड इन एयर तो एयर में जो साउंड की स्पीड है दैट इज थ्री हंड्रेड थर्टी मीटर पर सेकेंड ऑल राइट ओके सो लेट लेटस डू सम क्विक क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ लिए जाए सो so, और जैसे कि आपको पता है कि नोमेरिकल्स हैं तो अगर हम नोमेरिकल्स कर रहे हैं रफ कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर ही बैठना है और जहां पर भी डाउट आता है या तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है नहीं तो लर्नो हम स्वयं में क्लास बुक करनी है ओके okay. सो so, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ गन इज़ फायर्ड इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर फ्रॉम अ पर्सन तो यहाँ पर हमें डी दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर्स फ्रॉम अ पर्सन सो ही हेयर्स द साउंड ऑफ गन आफ्टर टू सेकेंड्स तो जैसे ही उसने फायर किया उसके दो सेकेंड बाद उसको आवाज़ आई है तो हमें निकालना है द स्पीड ऑफ द साउंड सो वॉट इज द स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो वॉट इज डिस्टेंस डिस्टेंस Is 660 and time is 2 seconds, right? So this is meter and this is second. So it is going to be 330 meter per second. So same agi ki speed of sound in air, right? So what is this? This is the speed of sound in air. तो लास्ट सेशन में हमने रिकॉल किया था ना स्पीड आ, नहीं लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट राइट right? तो हमने देखा था अलग अलग मीडियम में जो स्पीड थी लाइट की वो अलग अलग थी वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो अलग अलग रहेगी राइट right? अभी हमने सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पढ़ा है कुछ और एग्जांपल्स करते हैं एंड देन वी विल सी कि अलग अलग मीडियम में क्या 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 साउंड रहती स्पीड रहती है साउंड की द नेक्स्ट इज अ बॉय फायर अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टीन सिक्सटी मीटर्स हेयर

फोर फोर 16 एंड दिस सो व्हाट इज इट इट इज थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर पर सेकेंड तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है राइट right? लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह हंड्रेड होगी और एक जगह थ्री हंड्रेड होगी ऐसा नहीं होगा थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलता है ओके सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस केस द नेक्स्ट वन इज अ बॉय ऑन अ हिल ए फायर्स अ गन तो हम अपनी हिल बना लेते हैं तो so, ये है हिल सो ए हिल एंड दिस इज द बी हिल तो यहाँ पर गन से फायरिंग हुई है राइट एंड अनदर बॉय ऑन हिल बी हियर्स इट आफ्टर फोर सेकेंड तो यहां तक साउंड को पहुंचने में हमें इस साउंड को फोर सेकेंड्स लगे इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू हिल्स वेरी सिंपल यहां पर हमें v दिया हुआ है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है विच इज़ फोर सेकेंड सो वॉट इज डिस्टेंस सॉरी पहले स्पीड को लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी स्पीड इन टू टाइम सो वॉट इज स्पीड इट इज़ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एंड फोर इज द टाइम राइट सो इट इज गोइंग टू बी फोर थ्री इज़ ट्वेल्व फोर थ्री ट्वेल्व थर्टीन सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हिल तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है थर्टीन ट्वेंटी मीटर्स राइट तो सिंपल क्वेश्चन है अच्छा यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना कहीं पर भी हमें कन्वर्जन नहीं करनी पड़ी है ये याद रखना जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ये जरूर देखना है कि यूनिट्स क्या है और वो यूनिट्स के बेसिस पर ही हमें क्वेश्चन को आंसर करना है नाउ कमिंग अप नेक्स्ट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया तो साउंड जो है वो ट्रेवल करती है फास्टर इन लिक्विड्स दैन इन गैसेस तो इसका मतलब है कि गैस में हम वहां पर क्या देख रहे थे साउंड ऑफ एयर ठीक है सॉरी साउंड ऑफ सॉरी Speed of light in air was three into ten raised to the power eight meter per second. Then two point two five into ten raised to the power eight meter per second in liquid and two into ten raised to the power eight meter per second in glass. राइट right? तो हमने ये देखा था लेकिन अगर हम साउंड की बात करते हैं सो साउंड द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन लिक्विड सो वाटर में अगर आप स्पीड देखोगे साउंड की इट इज़ फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एयर में इट इज़ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मीटर पर सेकेंड और अगर हम स्टील की बात करते हैं या फिर हम सॉलिड की बात करते हैं इट इज़ सॉरी फाइव नाइन सिक्स जीरो सो इट इज़ नॉट फास्टेस्ट इन लिक्विड्स बट इट इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स बट अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देखें तो ये रिवर्स ऑर्डर है हमने स्पीड ऑफ लाइट कैसे पढ़ा था सो द स्पीड ऑफ लाइट वॉज मैक्सिमम इन एयर राइट उससे कम था लिक्विड में यहाँ पर गैस लिख देती हूँ यहाँ पर लिक्विड और सबसे कम था सॉलिड में लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं सो इट इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड फिर उससे कम है लिक्विड में और सबसे कम है गैसेस में ओके okay, तो बात क्लियर हुई यहां पर ऑर्डर एकदम रिवर्स हो चुका है अब सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज़ 5960 वहीं पर अगर आप आयरन ले लोगे ना तो आयरन में ये स्पीड 5100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी सो इट डिपेंड्स ऑन सॉलिड टू सॉलिड कि किस में कितनी स्पीड होगी ठीक है इट इज़ नॉट फिक्सड इन सॉलिड बट इट वेरीज इन सॉलिड राइट सो आई होप दिस क्लियर तो एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन इन एयर और गैसेस राइट तो हमें क्या करना है एक टेबल लेना है और टेबल पे ना एक सॉलिड एक आयरन की रॉड रखनी है और आप अपने कान को पास लेकर जाओगे उस आयरन रॉड के एक एंड पर और दूसरे एंड पर अपने फ्रेंड को बोलोगे कि यहाँ पर हैमर से उसको स्ट्राइक कर सो एज सुन एज यहाँ पर हैमर से स्ट्राइक होगा वैसे ही यहाँ पर दूसरी तरफ आपको आवाज सुनाई देगी पहली आपको दो बार आवाज़ सुनाई देगी पहली आवाज़ आएगी आपको इस सॉलिड से और दूसरी आवाज़ आपको एयर से सुनाई देगी तो आप देखोगे कि जो सॉलिड वाली आवाज़ है वो आपको जल्दी सुनाई दी और जो हवा में आवाज़ आई है वो आपको लेट सुनाई देगी राइट सो दिस दिस शोज दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन एयर और जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो जैसे कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट विल इंक्रीज बाय पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड राइट दूसरा अगर एक तरफ से ड्राई एयर है राइट right? और दूसरी तरफ है ह्यूमिड एयर ह्यूमिड एयर मतलब जिसमें बहुत सारे वेपर्स होंगे राइट right? तो जिसमें काफी सारे वाटर वेपर्स होंगे तो अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में से किस में जल्दी साउंड ट्रैवल करेगा जल्दी से बताओ तो याद रखना सबसे फास्टेस्ट होता है सॉलिड्स में उसके बाद लिक्विड्स और सबसे कम गैसेस में तो ड्राई एयर में देर आर ओनली गैसेस लेकिन ह्यूमिड एयर में वहां पर कहीं ना कहीं एक लिक्विड कंटेंट भी है तो बेसिकली जो साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी ह्यूमिड एयर में और कम ट्रैवल करेगी ड्राई एयर में ठीक है मतलब स्लो ट्रेवल करेगी ड्राई एयर में एज कंपेयर टू द ह्यूमिड एयर सो आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ा था हमने वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वहीं पर हमने पढ़ा था कि uh, इंसीडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाए ऑन द सेम प्लेन तो यहां पर भी दोनों ही हैं यहां पर इंसिडेंट साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल ऑल ऑफ दाए ऑन द वन प्लेन राइट तो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर द सेम कोई फर्क नहीं है दोनों में राइट right? तो सिंपल है ओके okay, याद रहेगा रखना पड़ेगा तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रम्पेट है जैसे कि एक स्पीकिंग ट्यूब है इन सब में इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही यूज होता है इनको बनाने में क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होगी तभी आगे से आगे पास करेगी और हमें सुनाई देगी राइट right? तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं तो एक जार लो विद लिड और उसके अंदर आप एक क्लॉक डाल दो जिसमें वो टिक 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 साउंड आती है टिकलिंग क्लॉक होती है राइट right? और इस ढक्कन को बंद कर दो तो जब आप ऐसे सुन रहे होंगे ना तो आपको वो टिकलिंग टिकिंग साउंड जो है टिकलिंग साउंड है टिकिंग साउंड जो है वो काफी क्लियरली सुनाई देगी अब जैसे ही आप इस लिड को खोलोगे और इसको एक एंगल पे रखोगे ना तो उससे क्या होगा कि ये साउंड जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी जाके यहां से अब आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको ये साउंड और डिस्टिंक्टली क्लियरली सुनाई देगी सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड राइट तो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो बहुत क्लियरली आपको वो टिकिंग साउंड जो है वो सुनाई देगी राइट right? तो बहुत ही सिंपल था अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एको तो कई बार होता है ना कि हम खड़े हैं एक खाली कमरे में या फिर किसी ऐसी ओपन सी जगह में तो जो आप बोल रहे हो ना आपको वही आवाजें वापस सुनाई दे रही हैं सो दैट इज एक् क्या बुलाते हैं हम उसको

ज़रूरी नहीं है कि हमें एक हार्ड सरफेस ही चाहिए या फिर सॉफ्ट सरफेस ही चाहिए बट जो एरिया है सरफेस का वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा जिसे कई जगह पे हम जाते हैं तो उसको आ, मतलब घूमने जाओ ना तो वहाँ बोलते हैं ये एक्को पॉइंट है यहाँ अपनी ही आवाज़ें वापस सुनाई देती हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप बोलते हो आपकी आवाज़ जाके एक हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होती है और वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है राइट right? तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचती है तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देती है और आपके बोलने में और उस आवाज के सुनने में कुछ सेकंड्स का फर्क होता है ओके सो आई होप इतना क्लियर है तो जब हम बोलते हैं ना तो हमारी आवाज हमारे कानों में पॉइंट वन सेकेंड के लिए रहती है ठीक है तो मतलब कि ये जो हमने बोला है और वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक पहुंची है तो वो साउंड जो है वो पॉइंट वन सेकेंड के बाद ही आनी चाहिए नहीं तो क्या होगा नहीं तो हमारे कानों में आवाज तो आएगी लेकिन हम दोनों ही साउंड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी हमारी आवाज है और कौन सी एको है ओके तो ऐसे ही अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें सो द स्पीड ऑफ साउंड In air is how much it is 330 meter per second, right? Ab अगर हम पॉइंट वन सेकेंड में स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो ये कितनी होगी सो इट इज़ गोइंग टू बी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी इंटू वन अपॉन टेन सो इट इज़ गोइंग टू बी थर्टी थ्री मीटर तो मतलब पॉइंट वन सेकेंड में साउंड जो है वो थर्टी थ्री मीटर ट्रेवल करती है इसका मतलब कि अगर एक साउंड को जाना है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक आना है तो उसको कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए उसको होना चाहिए सिक्सटीन पॉइंट फाइव मीटर डिस्टेंस पर सो so मिनिमम डिस्टेंस विच इज नीडेड फॉर अ क्लियर जो डिस्टेंस है ना इट वेरी हर मीडिया में ही नहीं होता है कई बार आप देखते हो कि बंद कमरे में जब आप हो ना तो बंद कमरे में आप बड़ी सारी आवाजें आप बोल रहे हो तो आप और भी काफी सारी आवाजें आप सुन पा रहे हो लेकिन क्लियरली आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो होता है ना ऐसा क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो उतना ज्यादा नहीं है तो उसकी वजह से तो तो हो हो रहा है तो हो रही है साउंड जाके रिफ्लेक्ट रही लेकिन अभी आप ही की बातें आपके कानों में गूंज रही हैं तो जो आ रही है जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है आप उसको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हो ऑल राइट सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड तो जैसे uh, कभी भी ना अगर एक बंद कमरा है मतलब एक खाली कमरा है तो अगर आप एक खाली कमरे में जाओगे तो आप अपनी आवाजें सुनोगे लेकिन जब आप उसी घर को उसी कमरे को अपने सामान के साथ भर देते हो एक बेड लग गया एक सोफा लग गया एक कारपेट लग गया एक आपने टेबल रख दिया आपने वॉल्स पे अपनी पिक्चर्स लगा दी तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आवाज है ना अब ये आपको नहीं सुनाई देती है वाई बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट आर द गुड एब्जॉर्ब एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड तो ये सोफा कारपेट कर्टन्स ऑल ऑफ देम आर द गुड एब्सॉर्बर ऑफ साउंड तो इसी चीज का यूज किया जाता है कुछ साउंड प्रूफ बॉक्स बनाने में तो ये ऐसे एनक्लोजर्स होते हैं जैसे थिएटर होता है तो मूवी अंदर चली होती है कि आपको बाहर सुनाई देता है कि मूवी के डायलॉग्स क्या है नहीं राइट तो दिस इज दीज आर द साउंड प्रूफ बॉक्सेस और साउंड प्रूफ एनक्लोजर्स विच डज नॉट अलाउ इंटरनल साउंड टू कम आउट एंड एक्सटर्नल साउंड टू एंटर तो ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आप चिल्ला रहे हो अपने फ्रेंड का नाम ले रहे हो और उसको अंदर सुनाई दे जाए क्योंकि इनको ना तो अंदर की आवाज बाहर जाएगी ना बाहर की आवाज अंदर आएगी ऐसा रहता है तो क्या क्या चीजें हैं जो यहां पर देखी जाती हैं सबसे पहला जो रूफ है इली साउंड प्रूफ बॉक्सेस का तो जो रूफ है रूफ के ऊपर थर्मोकोल थर्मोकोल लगाया जाता है और पीओपी लगाया जाता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉल्स को कवर किया जाता है वुडन स्ट्रिप्स से जो कि साउंड टू गो आउट या फिर कम इन राइट नेक्स्ट इज फ्लोर पर थिक कार्पेट्स लगा दी जाती है और ये थिक कार्पेट्स भी साउंड एब्जॉर्ब का काम करती है देन मशीन पार्ट टू बी प्लेस्ड इन एनक्लोजर तो मान लो कि कोई भी मशीन के पार्ट्स हैं तो उनको भी कुछ एनक्लोजर्स में रखा जाता है ताकि उनकी आवाज भी ना आए दे नेक्स्ट इज थिकर्टन लगाए जाते हैं अब ये थिक करटन जो होते हैं दे आर अगेन गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड डोर्स को हमेशा बंद रखा जाता है और यहीं पर डोर्स और विंडोज में थिक स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं एंड दीज स्ट्रिपिंग्स आर अगेन द गुड एब्जॉर्ब एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड सो आई होप आपको ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑफ साउंड ये समझ आया है सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आर टुडे सेशन आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर साउंड सो कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन या फिर यू कैन बुक योर क्लास ऑन लर्न हब स्वयं सो आई विल सी यू देयर ऑन लर्नो हब स्वयं बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं एंड बहुत खुश हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपके भी डाउट्स क्लियर हों और आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं सो बुक योर क्लास ऑन लर्नो हब स्वयं सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है